शॉर्ट फिल्म में आप काफी दिनों से जो इंतजार कर रहे थे कि मैं कब ऑनलाइन कोर्स शुरू करूं, तो आपका ये इंतजार अब खत्म होने जा रहा है क्योंकि बहुत जल्द मैं ये कोर्स शुरू करने जा रहा हूं ताकि आपको घर बैठे ये कोर्स कर सकें। ठीक है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल सिलेबस बनवाया है जिसमें आप घर बैठे लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल या कार्ड लेवल सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने काफ़ी अच्छे से बैठकर सोच समझ के ये सिलेबस डिज़ाइन किया है ताकि जब ये कोर्स आप ऑनलाइन करें तो आपको हर चीज़ इसमें सीखने को मिले। ठीक है, इसके लिए मैंने एक PPT बनवाया है, प्रेजेंटेशन बनवाया है जो कि मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन वो दिखाने से पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कोर्स जब हम करेंगे तो क्या ये ऑनलाइन कोर्स हम सीख उसमें से हमको कुछ सीखने को मिलता है या नहीं। ठीक है, लेकिन बहुत दिन से मैं यही सोच रहा था, एक व्यूअर्स के व्यू से मैं सोच रहा था कि जब ये हम सोचते हैं कि जब हम ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो हमें सिर्फ फ़ोन इस पे ईमेल पे फ़ोन पे या फिर यूट्यूब पे दिखाया जाता है और हमसे पैसे लिया जाता है। लेकिन मैंने ये जो कोर्स ज्वाइन डिज़ाइन किया है, इस कोर्स में मैंने बहुत अच्छे तरह से असाइनमेंट तैयार किया है, जो कि हर एक असाइनमेंट मैं आपसे करवाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल करवाऊंगा और फिर आप अच्छे से असाइनमेंट भी कर सकेंगे, वो प्रैक्टिकल भी कर सकेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टूडेंट को मैं गाइड करूंगा पर्सनली। ठीक है, तो पर्सनली कैसे गाइड करूंगा? देखिए, गाइड करने के लिए हमारे पास फ़ोन है, व्हाट्सएप है, उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से कांटेक्ट या फिर एक दूसरे को हम देखकर वो लैपटॉप के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाउट्स है, हम क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। तो फिर आप ये मत सोचना कि इसमें हमें सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी तरह से टाइम एक मैनेजमेंट मैंने कर लिया है कि आपको मैं अच्छे से टाइम दे सकूं। ठीक है, तो फिर इसी तरह से इस कोर्स में मैंने आपके लिए टाइम शेड्यूल करके रखा है, तो आप ये प्लीज़ अच्छी तरह से समझ लें। तो ये कोर्स आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या है, मैंने कार्ड लेवल का भी एक सिलेबस कर रखा है और चिप लेवल का भी एक सिलेबस कर रखा है। ठीक है, जो कोई ऐसा सोचता है कि मैं ये कोर्स कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको बहुत ही एश्योर कर देना चाहता हूँ कि ये कोर्स अगर आपको आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कंप्यूटर चीज़ क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, अगर ये आपको पता चल जाए तो मतलब पता अगर आपको है, अच्छी तरह से मालूम है कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये अगर आपको जानकारी है तो ये कोर्स आप 100% कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ 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 इस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करें। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मेरे पास 100 एंट्रीज आती है या 200 एंट्रीज आती है तो मैं सबको सिखाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने जो टाइम शेड्यूल फिक्स किया है उसमें मैं मतलब जैसे अभी मैं एक बैच तैयार करने वाला हूँ, जैसे 20 स्टूडेंट का मैं बैच तैयार करने वाला हूँ। बस ये पहले जो 1.5 से 2 महीने हैं ये उन्हीं 20 स्टूडेंट के लिए जाएंगे, फिर इसमें से मैं दूसरा कोई भी एडमिशन नहीं लेने वाला हूँ, बस ये 20 स्टूडेंट को ही सिखाने वाला हूँ क्योंकि उतना ही टाइम मैनेज मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो
आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें ताकि मैं एक के बाद एक बैच को शेड्यूल कर सकूं। तो चलो फिर हम देखते हैं इस पीपीटी में के प्रेजेंटेशन में कि हम किस तरह से इस कोर्स को आगे ले जाएंगे।
कोर्स में हम लाइव सेशन जो होता है उस चीज को लाने वाले हैं, ताकि लाइव सेशन में होता क्या है कि हम एक दूसरे को डायरेक्टली हम एक दूसरे से डिस्कस कर पाएंगे उस इशू के बारे में, जो लैपटॉप आपके पास पड़ा है उस लैपटॉप को कैसे खोलना है, कैसे उसको फिट करना है, यानी कैसे डिसअसेंबल करना है, कैसे असेंबल करना है, और हर एक पार्ट पर हम कैसे काम करेंगे, ये सारे चीजें हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें ताकि आप भी लैपटॉप रिपेयर इंजीनियर बने। ठीक है, तो देखते रहिए हिट शॉर्ट फिल्म्स। थैंक यू।